मेरी नाजिया से बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो रईस भाई से कहेगी और वो फलक से बात कर लेंगे। मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मॉम आप लोग क्यों इन लोगों के पीछे बढ़ गए? जब फलक जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग क्यों जबरदस्ती भेज रहे हैं? और वैसे भी पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता हनीमून का। अलवीना तुम क्यों अजीब बातें करती हो? पाकिस्तान में किस चीज का ट्रेंड है या नहीं है उससे हमें क्या लेना देना? हमें तो अपने बच्चों की खुशी अजीज है ना। मॉम आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो सर पे चढ़ती है, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब उसके गुलाम। जिंदगी के सारे फैसले जो होते हैं ना वो जज्बात से नहीं किए जाते, और माँ बाप तो औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। फजान व्हाट डू यू थिंक, ये लोग तुम्हें जबरदस्ती भेजकर ठीक कर रहे हैं जब तुम्हारा दिल ही राजी नहीं है? मैं क्या कह सकता हूँ, पहले अंकल ने कहा तो मैंने उनकी बात मान ली, अब बॉम्ब कह रही है तो उनकी बात मान लूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी कोई मर्जी नहीं। तुम सच में फलक के साथ जाने में इंटरेस्टेड हो? अलवीना फिर वही बेवकूफी वाली बात, अगर ये लोग अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? मॉम मैं फैजान से पूछ रही थी। फैजान तुम बताओ, तुम जाना चाहते हो कि नहीं? मॉम अगर नहीं जाना होता तो मैं अंकल से टिकट्स नहीं लेता। सुन लिया तुमने, हो गई तसल्ली? आई डोंट एग्री, मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि फैजान का दिल नहीं जा रहा है, वो जबरदस्ती जा रहा है। बस कर दो अब ये बहस। रईस भाई फलक से बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएगी, क्योंकि वो अपने अब्बू की बात कभी भी नहीं टालती। और वैसे भी मेरी सारी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं, अल्लाह ताला इसे हमेशा खुश रखे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह हरकत किसकी थी। हम दोनों के अलावा किसे फातिमा के एक्सीडेंट का पता है? मुझे जल्द अज जल्द इसका पता लगाना होगा। फिर जो कोई भी है आसानी से रामीन का पीछा नहीं छोड़ेगा। रामीन ने एक बार इसका फोन नहीं उठाया, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से रामीन से फिर रابطہ करने की कोशिश करेगा। हमें रामीन को उस फोन से और जिस सबूत की वो बात कर रहा है उसे दूर रखना होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से फातिमा की जुदाई को बर्दाश्त किया और मुझ में हिम्मत नहीं है और दुख सहने की, और रामीन के लिए तो कतई नहीं। था बुआ परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूं यह है कौन, क्यों कर रहा है ये। एक बात याद रखो दानियार, अगर रामीन को इस राज का इल्म हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने फातिमा की मौत का गम सिर्फ फुलाया ही इसीलिए था कि रामीन को सुख मिल सके, उसकी मुस्कुराहटें कायम रह सके। तो क्या था अबू ये सब कुछ मैं रामीन के लिए नहीं कर रहा? खुद चाहता हूं कि रामीन को किसी किस्म का दुख ना पहुंचे, लेकिन तुम्हें जो भी करना है करो दानियार, बस लेकिन रामीन को इन बातों से दूर रखो। वो वैसे ही बहुत नाजुक है, अपनी मां से मुतालिक तो वो कोई बात नहीं सह पाएगी। आप भरोसा रखे तायब, मैं रामीन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आ गए तुम, पूरे शहर में ठीक से अनाउंसमेंट कर दी ना कि मेरे हनीमून के टिकट्स फाड़े। अगर कोई रह गया है ना जाओ उसे भी बता दो। तो क्या गलत किया मैंने? तुमने टिकट्स नहीं फाड़े क्या? हाँ फाड़े थे, तो आइंदा भी ऐसा करूंगी। अगर किसी ने अपनी मर्जी मुझ पर थोपने की कोशिश की तो। हाँ तो जब तुम्हें रिग्रेट नहीं है तो फिर डांट भी सुनो,
अब बाय द वे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। अच्छा इसीलिए सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता, सबने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और बाय द वे तुम्हें अपना डिसीजन ओन करना चाहिए, जब फैसला ले सकती हो तो घर वालों को जवाब भी दे सकती हो। हाँ तो तुम्हें नहीं कह रही हूँ जवाब देने के लिए, खुद दे रही हूँ और मेरा जवाब वही है जो पहले था। गुड फॉर यू। मैं अंकल को नाराज करना नहीं चाहता था और ना ही मैं चाहता था कि घर वाले हमारी लड़ाई में इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो एज यू विश, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो करो। हो गई बातें पूरी, चलो उठो यहाँ से, अब वहां जाकर बैठो। एक्सक्यूज मी, कल तुम यहाँ सोई थी, आज मैं यहाँ सोऊंगा। हेलो, मैं यहाँ सोऊंगी, तुम चाहे जमीन पर सो या सोफे पर, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, उठो यहाँ से। लिसन, तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम यहाँ पर हो, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सोऊंगा। गॉट इट? टीवी क्यों बंद किया फलक? रामीन, क्या सोच रही है? कुछ नहीं रामीन, तुम अभी तक उस कॉलर के बारे में सोच रही हो? रामीन प्लीज, रामीन किसी के बारे में नहीं तो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम क्यों उस फजूल बकवास को सोच रही हो बार बार, क्यों ध्यान दे रही हो उस बात पर? क्योंकि मुझे रह रहकर अम्मी का ख्याल आता है और मैं बहुत बेबस हो जाती हूं। वो कल रात मेरे ख्वाब में आई थी दानियाल, वो बहुत रो रही थी, वो बहुत तकलीफ में है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों दानियाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस शख्स की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो ठीक है राम, करो उस पर यकीन, मुझ पर नहीं, अपने शौहर पर तो तुम्हें एतबार ही नहीं है ना। दानियाल, I'm sorry. मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, प्लीज आमीन। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है भूल जाओ सारी बातें, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ओके जी, मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा।
हाँ अलविना बोलो। हाय, कैसे हो दानियार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? परफेक्ट। कहाँ गायब हो? इतने दिन हो गए, मुलाकात भी नहीं हो रही। तुम तो जानती हो ना अलविना, ऑफिस में काम कितना होता है और उसके बाद रामीन को टाइम देना होता है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते? अलविना, इस वीक तो मिलना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट वीक जरूर मिल सकेंगे। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम घर आ जाओ, इसी बहाने रामीन से भी मिल लेना। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? अलविना, मैंने कहा ना, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। सो प्लीज। दैट्स ग्रेट। तो कब मिल रहे हैं हम? मैंने अभी तो कहा कि नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं। ऑलराइट, सी यू देन। बाय बाय। आज के बाद तुम रामीन को टाइम नहीं दे पाओगे। रामीन, गेट रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू सी द ट्रुथ। फिर तो कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी, समझ नहीं आ रहा सवेरा का सामना कैसे करूं। बहुत अजीब लग रहा है, फलक ने तो रईस को भी साफ मना कर दिया। हाँ बेटे, बात तो तुम 16 आने दुरुस्त कर रही हो। सवेरा बेचारे वाकई क्या सोच रही होगी? वो तो यही सोच रही थी ना कि फलक भी रईस की बात मान जाएगी। अब हम क्या करेंगे? देखो बेटा, हार मानने वाली तो मैं भी नहीं हूं। अगर फलक ने जिद पकड़ ली है ना, तो मैं भी उसकी दादी हूं। तो आप क्या करेंगे अम्मी? कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी। एक तरकीब मेरे जहन में आ रही है, उसी के बारे में सोच रही हूं। अल्लाह करे अम्मी जान, आपकी तरकीब फलक के गुस्से के सामने चल जाए। एक तो ये मुश्किल है कि तुम जवान लोग समझते हो कि तुम ही अकले कुल हो। अरे तजर्बा भी कोई चीज होती है, अब तुम देखना तजर्बे का जादू कैसे चलता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और कैसे आना हुआ? बस ठीक ठाक, एक्चुअली यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं, क्योंकि दानियाल तो आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। अदरवाइज मैं तुम दोनों को लंच पर इनवाइट करती। अब लंच की क्या जरूरत है, मैं और दानियाल ऐसे ही किसी दिन आ जाएंगे। क्यों ऐसे ही आ जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। वैसे मैं देख रही हूँ कि दानियाल आजकल तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है। मेरा मतलब है कि ही ऑलवेज टॉक अबाउट यू, प्यार जो बहुत करता है तुमसे। खैर तुम बताओ क्या पियोगी, कोल्ड ड्रिंक या चाय? ना ना, नथिंग। और वैसे भी तुम्हें इस कंडीशन में इतना काम नहीं करना चाहिए। मैं काम थोड़ी करूंगी, सर्वेंट है, मैं उसे कह दूंगी। दानियाल मुझे काम नहीं करने देता। अच्छा ग्रेट, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमसे बातें करने आई थी। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना होगा। चलो अगर इतना इंसिस्ट कर रही हो तो एक ग्लास पानी पिला दो। मुझे भाई शायद मुझे भाई कहीं गए, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारी। ना ना, तुम मत उठो, मैं खुद ले आती हूँ जाकर। मुझे बस इतना बता दो कि किचन कहाँ है। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगी, 2 मिनट का ही काम है, इतना तो मैं कर सकती हूँ, लेकर आती हूँ। ओके। Thank you.
पानी। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। और बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? या एवरीवन इज गुड। आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। क्यों इतनी जल्दी? एक्चुअली मुझे मॉम के साथ शॉपिंग पर जाना था। अगर मैं लेट हो गई ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने ठीक से बातें भी नहीं की थी। नो प्रॉब्लम, विल मेक इट सम अदर डे। हाँ चलती हूँ, वरना मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, बाय बाय। ये है जियो।